सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम टू दिस शो जिंदगी फुल ऑन। चाहे वक्त पर आओ चाहे देर से आओ, लेकिन जिंदगी को जी भर के जी जाओ, यही है ना बात। और फिर आज की जो सुबह होती है आपके यहाँ की, हाँ देखिए ना, ये भी कमाल की बात है कि वक्त कैसे मिलते हैं। उधर का वक्त उधर के वक्त के लिए तरस रहा होता है और फिर मिलते हैं। और ऐसे ही जो फ्राइडे होता है उसकी आपकी सुबह, मिलन की जो सुबह होती है वैसी सी होती है। यूं तो अक्सर बहुत सारे मौकों पर खुशी और घबराहट साथ साथ चलते हैं, लेकिन एक मौका ऐसा होता है जब खुशी और घबराहट मिलते हैं, एक दूजे के हो से जाते हैं, है ना। कब? ऑफ कोर्स मैरिज। खुशी और घबराहट एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, है ना। यूं भी जब मैरिज की बात होती है तो हल्की सी खुशी भी होती है और घबराहट भी होती है। कभी खुशी ज़्यादा हो जाती है, कभी घबराहट ज़्यादा हो जाती है। यूं भी जब मैरिज होती है तो दो इंसानों के से ज़्यादा जो मैरिज होती है वो एडजस्टमेंट और कमिटमेंट की होती है। वो मैरिज केयर और शेयर की होती है। वो मैरिज पॉसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। आज जो हमारे खास मेहमान हैं यहाँ पर थोड़े डिफरेंट हैं। अक्सर हम आपसे उनको मिलवाते हैं जो लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे स्टूडियो की शान जो बढ़ा रहे हैं वो हैं जिन्होंने एक अरसा साथ साथ गुजारा, और एक वो हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई। तो पहले मैं उनसे मिलवाती हूँ और फिर उनकी धीरे धीरे पोल खोलते हैं। आप हेल्प कीजिएगा इसमें मेरी, ठीक है। तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास गेस्ट हैं। सबसे पहले तो सबको वेलकम, और हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी सबको वेलकम। हमारे साथ गुरुदेव जी और अंजलि जी हैं। 18 साल हो गए इनकी शादी को और लव मैरिज। तो मैं पूछ रही थी उनसे, मैंने कहा मतलब सियाने होके शादी करी है, सियाने होके प्यार किया है? कहते हाँ सियाने होके प्यार किया है। तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि सियाना प्यार कैसे होता है, प्यार तो नादान ही होते हैं। और हमारे साथ वाओ ब्यूटीफुल कपल सहज एंड नीतू। कितना अरसा हुआ? एक महीना, एक महीना, सवा महीना हुआ इनकी शादी को। तो उनको 18 साल हुए शादी को, तो मुझे लगा कि अभी कैसे चल रहा है वो जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाला, दोनों की एडजस्टमेंट हो गई है या फिर अभी भी एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और प्यार वाला हल्का पड़ जाता है, या फिर प्यार अभी एडजस्टमेंट के ऊपर है भी? एडजस्टमेंट तो नहीं है, बढ़िया चल रहा है, खूब बढ़िया। वो तो देखो अप्स एंड डाउन तो सारी चलती चलती है ना साथ में, वो तो चलेगी चलेगी। कभी नोकझोंक होती है, कभी प्यार होता है, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी एडजस्टमेंट, कभी एक दूसरे की सुननी पड़ती है, वो मुझे सुनाते हैं मैं उनको सुनाती हूँ, ऐसे ही चलेगा ये तो। तो आप LIC डिपार्टमेंट में हैं। मुझे, मैंने थोड़ा सा उनके बारे में पहले जानकारी ले ली थी कि वो जब जॉब करते थे दोनों, है ना, जब जॉब में थे आप, तो लव एट फर्स्ट साइट था? नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं सेगा, दोस्त ज्यादा पहले से, दोस्त ज्यादा, हां दोस्त ज्यादा बने, एक दूसरे को समझते रहे, काफ़ी समय एक दूजे नाल गुजारिया, और हौली 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 लगन लगा कि शायद एक दूजे ने सदा रहेंगे तो जीवन ज़्यादा आसान होएगा। हौली हौली लगन लगा दैट शी इज परफेक्ट चॉइस फॉर मी। हाँ, तो आपकी तरफ से कैसा फीलिंग था? दोस्त वाला ही रहा या कलीग्स थे? नहीं, अब हम तक भी दोस्त ही हैं, अब भी वैसे ही चलता है। हाँ, उन तक भी दोस्त हैं, मोर देन हस्बैंड एंड वाइफ, दोस्त ज्यादा हैं। तो हस्बैंड एंड वाइफ जब आप हो जाते हैं तो क्या कहते, नोकझोंक रहती है ज्यादा?
वो जरूरी है जी, उसके बिना मजा नहीं आता। बिरयानी जे नमक मिर्च ना आवे तो फिर अच्छी नहीं लगनी। वैसे ही कभी कभी लड़ पड़ते हैं। हाँ, कभी कभी जान के भी होता है, कई बार मेरी वालों जान के होता है कि आज कुछ किया जाए यार, बड़ा बोरिंग जा हो गया। इस पे भी लिखा है कि आप पंगे जान के ये तो मतलब नहीं, ये तो मैं कह सकती हूँ, चिढ़ाना खिंचाना सब कभी कभी हो जाए। जो हमारे साथ दूसरी जोड़ी है, इनके बारे में एक राज की बात जो मुझे पता है वो ये है कि सहज पहली बार नीतू को देखने के लिए गए थे अपने पेरेंट्स के साथ और अकेले नहीं आए थे, शादी करके वापस आए। मतलब एक इंसान एक बार में देखे और कहे नहीं बस मैंने तो अब जाना है तो शादी करके ही जाना है, ये ना हो कि मैं जाऊं और वो मुकर जाए पीछे से। नहीं, एक्चुअली थोड़े दिन पहला गल हुई सी, शादी एक दो दिन पहला गल हुंदी रही है ते ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮਸਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵਾ ਪੂਰੀ ਦੱਬ ਲਾਉਂਦੀ ਇਹਨੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ जब ये बात हुई कि देखने आए हैं और शादी करके ही जाना है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि नहीं ठीक है हो जाए चलो शादी कर लेते हैं, या फिर आपको लगता था कि नहीं थोड़ा सा वक्त अभी और होना चाहिए? एक्चुअली मैम पहली मीटिंग साड़ी हो चुकी सीगी, ओह 15 डेज बिफोर हुई सीगी, उस तो बाद मैं ही कहा सीगा भाई असि थोड़ा गलबात करांगे मिलांगे, क्योंकि मैं कुछ देखे सीगे केसेस इदां दे भी हाँ इदां ही नहीं ब्याह कराउण च मजा नहीं हैगा, गलबात करिए थोड़ी बहुत। फिर असि 15 डेज मीटिंग्स भी कीतियां सी, फोन कॉल्स से भी गल कीती सीगी, ते फिर असी जदों शगन दी गल आई सी उदों होया सीगा वी शगन दी जगह असी लै के ही जाणा है, एदां होई सी ना मेरी गल, शादी करके ही जाणा। हाँ जी, मतलब मैं ना उस मोमेंट को मतलब फील, मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स उस मोमेंट को फील करें कि थोड़ा आप लोग और खुल के बताएंगे तो वो फील कर पाएंगे। हाँ जी, मैम एक्चुअली फर्स्ट बिफोर वन डे मैरिज ते असी दोनों मिले सीगे, ते ये जिवें कार च बैठे सी मैं आई सीगी, दोनों बैठे नर्वस सीगे दोनों ही, ते सोच रहे सी भी थोड़े कन्फ्यूज आ, समझ नहीं आ रहा की करिए, भी घरदियां नूं तां आही है क्योंकि सेम जिना जिवें इन्हां दा सीगा सेम उदा ही मेरा सी, मैनूं चाहिए सी भी इत्थे चंडीगढ़ च होवे लोकल होवे मुंडा, ते फिर कैटेगरीज दे भी इशू हुंदे आ कास्ट दे वो काफ़ी इशू सीगे, ते फिर सेम इशू साढ़े दोनों च ही चले हुए सी भी आ भी कल्ले रहे हुए सी इंडिपेंडेंट, मैं भी कल्ली रही हुई सीगी भी किसी नू अपने नाल रखना रूम शेयर करना सबसे ओह सारे इशूज इन्हां नू भी सीगा भी आजादी खतरे च पै जूगी, ये वो काफ़ी इशू सीगे मैम, बहुत कुछ मन च चल रहा सीगा जिवें अप्स डाउनस कर लेंदे आ, नहीं एक दूजे नूं देखदे सी फिर लगदा सी वी कर लेंदे आ यार, पर जदों विआह तों बाद वाले चैलेंजेस दी गल करिए फिर लगदा सीगा वी कि नहीं अभी टाइम अजे अगले साल करवा लवांगे रुक जाइए अजे। तो अभी जब आपने वो डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है अभी एकदम शादी करें, तो वन मंथ के बाद अभी आपको एकदम से क्या लगता है कि या इट वॉज परफेक्ट कि हाँ शादी कर ली? ऐसे नहीं तो एक साल सोचते रहते अच्छा करनी है या नहीं करनी है? मैं सच्ची दसा जी मैनू इदा लगता भी बहुत वधिया फैसला सीगा असीं नाल दी नाल ही कर लिया, जे लेट हो जाते फिर लेट ही हो जाते कहिंदे ना या जदे या कदे, उसको यही डर था कर लूं अभी कर लूं बस आ शादी नहीं तो मम्मी ने मुकर देना है। मैंने एक सब तो वधिया गल ये रही भी जिवें असी यह सोचते सी भी असी अलग अलग रहना या किवें एडजस्ट करना, साडियां मतलब मैं कह सकदा भी 70% आदतां सेम ने। मतलब कई ਯਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੇ ਸੰਜੋਗ ਇਸੇ ਕੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਹਮਾਰੀ ਆਦਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੋਟਲੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੈਸੇ ਪਸ਼ਚਿਮ ਹੋ ਆਪਕੋ ਮਤਲਬ ਆਪਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਉਨਕੀ ਆਦਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਭੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨਕੀ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਨੀ ਹੋਣੀ ਵਾਦੜੀਆਂ ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਨਿਵਣ ਚਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ उन्होंने सुबह 10 बजे सो के उठना है तो 10 ही उठना है आप 1000 कोशिश कर लो 15 मिनट पहले भी उठाने की उन्होंने नहीं उठना आ गल तो ही है सॉरी मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा मैं तो बहुत दुखी ने मैं लेट ही उठता मतलब कुछ लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी और चीजें इंसिडेंट्स आपकी लाइफ के जरूर जानना चाहती हूँ कि कभी आपको ये लगा हो कि मतलब हमने इतना वक्त भी क्यों लगाया एक दूसरे को समझने में जब मतलब दोस्ती में भी थोड़ा और वक्त हमें साथ जिंदगी जीने का मिल जाता और या फिर कभी आपको ये लगा हो कि ठीक है अभी इतने साल हो गए अभी हमारी शादी को और दोबारा से अभी एक बार और एक दूसरे को बैठ करके कि समझते हैं या सोचते हैं जैसे हम एक दूसरे को पंजाबी में कहते हैं टीचर करना ना टीचरा कर दें आप सारा दिन चल दिया सारा दिन चल दिया सारा दिन चल दिया तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं मैं जिस वक्त में आपके 18 ईयर्स हो गए तो 2002 मैरिज ईयर है तो उस वक्त जब आपने लव मैरिज की तो कुछ अड़चन थी या इजीली मतलब पेरेंट्स दोनों तरफ के मान गए थे सिर्फ अड़चन ये थी कि इनकी जॉब अच्छी नहीं थी प्राइवेट जॉब थी ओके इतना अच्छा कमाते नहीं थे पेरेंट्स को यही होता है कि बेटी वहाँ शादी हो जहाँ दिक्कत ना आए इजीली रहे खुश रहे बस ये दिक्कत थी और ये इस वजह से वो मना कर रहे थे ओके तो फिर कैसे मनाया मेरी वाल तक कोई दिक्कत इनकी नहीं तरफ से कोई नहीं, दिक्कत नहीं आपने उनके पेरेंट्स को कैसे मनाया शादी करवा के मान लिया मतलब ठीक है अब तुम करते रहो हैं करनी है तो शादी यहीं करनी है बस जब लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा हुआ टच वुड शी इज मतलब लकी चांद ते बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए लाइफ सारी बढ़िया चल रही है इट्स गुड शादी हुई उसके बाद जॉब मिली गवर्नमेंट जॉब मिली बात सारा कुछ धीरे धीरे बनता गया ठीक होता घर में तो इतने धीरे नहीं बोलते होगे ना नहीं तभी गला बैठा आपको पता नहीं लग रहा मैं यही कह रही हूँ थोड़ा ऊंचा बोल गए नहीं नहीं मैं धीरे नहीं बोल सकती सबको पता वो नहीं हो सकता तो फिर आप दोनों का मिलना कैसे हुआ था जो आप 15 डेज पहले भी मिले थे वो कैसे मिले थे मैं ना एक्चुअली जिथे मेरे सिस्टर व्याह है मैं उन्होंने मिलने जाता सी एक दो मम्मी सगो धक्के नाल वे मैं कभी गया नहीं है उत्थे मम्मी कहते कहते जाया कर मिलया कर कुड़िया भी एवं चंगा नहीं लगता मैं गया जाता एक दो बारी गया उन्होंने फिर गल शुरू कर ली भी इदा ही गुआंढ च एक मतलब कुड़ी हैगी है तो गल तोरी है मैं पहला फोटो फूटो दिखा दो फिर तोर लो गल फिर फोटो फूटो दिखाई मैंने वधिया लगे फोटो च भी तो मैं चलो तोर लो तो फिर मैं ये मान के चलूं कि जिन लोगों के डिंपल पड़ते हैं उन लोगों के लाइफ पार्टनर जो होते हैं एकदम स्माइलिंग और उनको मतलब मान ले हम कि जिनके डिंपल पड़ते हैं उनकी लव मैरिज और अचानक से मैरिज हो करके परफेक्ट सी मैरिज मैच मिलता है गल तो ठीक है बट मेरी सलाह भी है सारे नु कि आप ही ना कि सर्जरियां करा के डिंपल पाने शुरू कर दो जब मतलब हम आदतों की बात करते हैं अभी तो इनको तो एक दूसरे के आते हैं अभी थोड़ा सा और जानना बाकी होगा है ना थोड़ी हल्की हल्की जब आप दोनों की इतने इयर्स के बाद और हैबिट आप एक किसी की भी चेंज कर नहीं सकते हैं तो आपको कौन सी इनकी ऐसी हैबिट्स हैं जो लगता है कि बस मतलब ये चेंज कर लें तो मतलब ये घर मेरे लिए मतलब मुझे स्वर्ग ही स्वर्ग है ये वाली आदत चेंज कर लें एक बारी च सुनन दी बेस्ट मेन आदत एक बात को 10 बार बोलना फिर सुनना वो बंदा क्या पता उनको आपकी आवाज पसंद हो नहीं 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 मैम ऐसी कोई बात नहीं वो दूसरी तरफ डूबे होते हैं
आवाजें मारी जाओ मारी जाओ फिर सुनेंगे नहीं डूबे तुम क्लियर कर दो कितने डूबे दूसरी तरफ बिजी होते हैं मेरी तरफ ध्यान नहीं है बात जो कर रहा है बंदा वो अपना अलग बिजी है तो वो दस बार बोलना पड़ेगा मतलब पहले भी थी इनमें नहीं ये तो बाद में ही पता लगी वो साल बाद पता लगती है अभी तो अमीना हुआ है ना अभी 80% सेम है साल बाद पता लगेगा 80% डिफरेंट तो आप दोनों फ्रेंड्स से तो मतलब आदत ये वाली बात तब लड़ाई नहीं ना होती थी बाद में पता लगा तो शादी के बाद ही पता लगता जब साथ रहो तो मतलब आप इतना टाइम फ्रेंड रहे मतलब एक क्वेश्चन है मेरा कि इतना टाइम दोस्त रहे आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी थे लेकिन फिर भी आपको क्या लगा कि कितना परसेंट मैंने बाद में ही जाना 80% मतलब छुपे आपने भी नहीं मैं बिल्कुल क्लियर हूँ जो सामने हूँ वो पीछे हूँ इनको पता है मैं शरारती हूँ बहुत सारी चीजें लुको के रखता है हौली 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 पत्ते खुलते रहते हैं पसंद आ जाते हैं कई बार नहीं भी आते नहीं तो तुसी मतलब दोस्ती वेले पत्ते खोले ही नहीं नहीं मैं सारे नहीं खोलने एक बार चाहता कि सारे पत्ते एक बार खोल जाते मजा नहीं आता ना जिदा गेम चल रही है एक सिट दिता फिर दूजा सिटता फिर पता लग रहा है एंड च पता लगता है कि हाँ नहीं जो पैक ऑफ कार्ड्स है बहुत वधिया है ना ए बड़े सारे रंग ने आपके नेचर जितना मैं जान सकती हूँ गुरुदेव जी सर मेरे को नहीं लगता कि आप इनकी कोई भी आदत चेंज करना चाहते नहीं नेवर एवर आई नेवर ट्राई बस एक आदत चेंज करने की कोशिश की थी है बहुत है ओदे ते हुन मैं थोड़ा जा अपने आप नु फिर एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को चेंज कर लिया हां ठीक है अब तो ऐसे बोल दे बहुत है मतलब कहंदे सुनदा नहीं है मैं सुना आप बोल रहे हो ना धीरे बोलो अभी आदत भी अभी तक ऐसा लग नहीं रहा उल्टा लग रहा है अभी तक पता नहीं आज कुछ मतलब ग्रहों का चक्कर लग रहा है कोई ग्रहों का या तो देश मतलब इतने आए हैं कोई इतने थोड़ा डिसेंस कोई वास्तु वगैरह का चक्कर पै गया अदरवाइज मैनू लगता है कि नहीं नहीं यही आदत बदलनी आप कह रहे हो धीरे बोल रहे हैं ये कहते ऊंचा बोलती है धीरे बोल तो बाकी वही है बाकी तो मेरे को मैं जहां तक आपको अभी 10-15 मिनट हाफ एन आवर जितना भी हुआ है मैं समझ पा रही हूं कि आप उनको चेंज नहीं करना चाहते यू आर मतलब I can see the satisfaction at your face. मैं सब कुछ नहीं ना हूँ दास देना बाद मुश्किल हूँ प्रोग्राम तो बाद मुश्किल होनी है ना प्रोग्राम तक तो ठीक है खाना बनाना आता है ना बहुत बढ़िया आपको आता है ना मेनू बहुत ही बढ़िया होता है जी हाँ बस वो बाकी सब ठीक है वो आना चाहिए बाकी उसके लिए टेंशन ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लड़ाई भी होगी खाना तो देना है खाने से भूखा नहीं रखना हाँ लड़ेगा कौन नहीं खवा खवा के कुटना है उतना भूखे नु नहीं कुटना ये पक्का रहा है ना सहज को खाना बनाना आता है नहीं चाय अच्छी बनाते हैं बहुत अच्छी तो सुबह की चाय तुम बनाते हो दोपहर दी होती है मैम एक बजे सवेर होती है तो एक बजे सवेर होती है मेरा दी काफी लोग ऐसे ही होते हैं कि घर से बाहर रह रहे हैं और अपना अपना रूम लेके अपनी कबड़ है अपना कोई चीज इधर से उधर हिल ना जाए ऐसे इस टाइप के हम हो जाते हैं एक्चुअली और जितना ज्यादा हम उस टाइप में रहते जाते हैं उतना ही हमें किसी और को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है उतना ही लंबा टाइम हमें एडजस्ट करने में लगता है तो तुम तो दोनों ही अलग अलग मतलब ऐसे ही रहे हो सिंगल सिंगल तो मतलब ऐसा तो नहीं होता कि ये मेरी कबर्ड है और ये मेरी कबर्ड है और कपड़े नहीं रखने और ऐसे होता है कपड़े मतलब एक साड़ी अलमीरा है दो पोर्शन ने ऊपर लाइक नीचे वाला तो की हुंदा सी मैं इन्हां ने भी अपने कपड़े उत्थे रखे मैं भी मैं जाके सुट देने इन्होंने बिच मतलब साग बन जांदा सी पंजाबी च कहिंदे फिर इन्होंने कहा मैं कहा मैं अपना एक सिलेक्ट कर लो उपर आला तो नीचे आला ये कहते मेरा उपर आला मैं जेड़ा बंदा बैठने का कष्ट कर रहा है कितने कपड़े दा सही हुण भी उपर ही वे कपड़े दा हुण भी उपर ही सिट दे तो अभी धीरे धीरे मतलब चल रहा है ऑन हो चुकी है चीजें है ना मैं ठीक कर रही हूँ ना वो तो अभी नहीं कह रहे ना
मुझे ये लग रहा है कि मतलब मैं कहाँ से पंगा लेना शुरू करूँ आपसे, कौन सी तार छेड़ूँ ताकि पोल खोलो आप एक दूसरे की। थोड़ी देर के मिल के लिए नहीं खुलती वो, आपको लाइव आना पड़ेगा घर में तब पता लगेगा। ये आपने मुझे अच्छा आइडिया दिया, अगली बार से मैं जिसको भी ऐसे बुलाऊंगी पहले अपना क्या कहते हैं जो हमारी हाँ जिंदगी फुल ऑन की टीम है उनको बोलूंगी जाओ, उनको बात भी करके आनी है, इनविटेशन भी देके आना है और कैमरा भी लगा के जाना है कि हेलो थोड़ी सी फोटो लेनी है ना, और फिर वो एक्चुअल रियल वाला रूप भी लेके आना है, वो कभी पता चलेगा। तो कभी ऐसा भी होता है कि अभी आपको उनकी क्या क्या चॉइसेस हैं वो आइडिया है या अभी भी कंफ्यूज हो जाते हो, कौन पसंद है, क्या खाना पसंद है, कितना नमक पसंद है, कितनी चीनी पसंद है, वो सब पता है, इतनी दिक्कत नहीं, एक दूसरे वो दिक्कत नहीं है, एक दूसरे को समझना संभालना और बस वो जिस दिन मतलब परफेक्ट टाइमिंग हो जाए ना उस चीज की कि कब कहाँ किसको समझना है, कब कहाँ किस बात को संभालना है ना, उतना ही रिलेशन लंबा। दो वर्ड है कि टॉलरेंस, एक है एक्सेप्टेंस। जो तो तुसी टॉलरेट कर दे हो तो आपके मन दे विच ना एक खिज होंदी है, खिज टॉल जो तो एक्सेप्ट कर दे हो ठीक है, ठीक है जैसा है बस बढ़िया है, बढ़िया है, है ना एकदम। ये चीज मतलब होनी चाहिए मैरिज लाइफ में, एक्सेप्ट करो बस। एक्चुअली जब हम खाली मैरिज का ही एक पार्ट नहीं है, जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं किसी भी चाहे फ्रेंड के उसमें एक्सेप्टेंस होती है, जब हम दोस्त होते हैं तो एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है एक्चुअली, तभी हमें कोई भी चीज वो नहीं लगती कि ठीक है वो हमारा दोस्त है, हर चीज एक्सेप्ट है। लेकिन जब हमारा हक आ गया ना बीच में तो फिर वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। गुरुदेव एंड अंजलि जी, जब लाइफ चलती है आगे तो अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, मैं कोई ऐसे मोमेंट जब आपको लाइफ में ये लगा हो कि अगर गुरुदेव नहीं होते तो शायद ये मैं मोमेंट या कोई इंसिडेंट कुछ कवर अप नहीं कर पाती, और कोई मोमेंट ऐसा आपकी लाइफ में आपको लगता कि अंजलि की जगह कोई और होता तो शायद ये सब मैनेज नहीं हो पाता। हाँ जी है ऐसे इंसिडेंट्स। मेरे मदर ऑपरेट हुए थे उन्होंने, और ये फैमिली वेज सी, एट्थ मंथ आई थी, सिक्स मैं बहुत छोटा है मतलब अपने फैमिली से, इनके ब्रदर इनसे 25 इयर्स बड़े हैं। हाँ रियल तो हम लोग बहुत तो मदर मेरे अराउंड 80 से के उस वेले जो 75-80 दे इन बिटवीन से गए, तो ऑपरेट ठीक हो गया। उस तो बाद कॉम्प्लीकेशन आ गई कि उन्होंने जोड़े स्टिचिज से उन्होंने पस पै गई और वो रिकवरी होने को काफ़ी टाइम लगा, हॉस्पिटलाइज हो 25 days there हॉस्पिटल। तो उस मोमेंट पर मैनू बड़ा मतलब लगा कि जे बेटा 5 साल का सी, बेटा 5 साल का वो भी, और मेरे फादर भी ओल्ड से 80 ओह से 80+, घर भी देखना है उन्हों भी वेखना है बच्चे नू, और मदर दी भी केयर करनी है, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा मतलब इन्होंने सारा कुछ सांभिया, और मैं बड़े लोगों नू एग्जाम्पल भी दिना कि एहो जा जीवन साथी जड़ा है, देखो सारे च कमियां हैगियां सारे च गुण भी हैगे ना, बट जो इम्पोसीबल जी गल तुहाडे साथ दिंदा है ना फिर तुहानू महसूस हुंदा है कि इट्स डूएबल, वो चीज मैंने बड़ी महसूस होने लगी। मेरी तरफ मैं अकेली हूँ, ब्रदर फॉरेन है बाहर है कनाडा, तो पेरेंट्स अकेले बुजुर्ग तो उनको संभालने में एक कहते हैं एक जवाई नहीं संभालता, देखा जाए तो सन इन लॉ इज नॉट बदनाम ही है करते बदनाम है नहीं, बट इनके मामले में ऐसा नहीं है। मेरे पापा डायलिसिस पे रहे, मेरे मदर बहुत बीमार रहे, बट इन्होंने फुल ऑन पूरी इन्होंने केयर की है, पूरी सेवा की है एंड तक, और ऐसे मेरे को कोई मतलब कभी ये नहीं लगा कि हाँ कि ये जवाई है उस कर दे, इन्होंने कोई सेवा नहीं की कि जवाई नहीं कर दे, इन्होंने बेटा बन के सेवा की है पूरा, मैनू कोई उदे कैंच कोई शर्म नहीं है कि ये बेटा ही है उन्हों का, जवाई तो बाद चो है, ये गल है। वाह, तो ऐसे मोमेंट्स जो जब लाइफ में होते हैं
मोमेंट्स निकल जाते हैं, लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि इन मोमेंट्स को हाथ पकड़ करके बैठ करके दोबारा से एक बार याद करके अपने रिश्ते को, कहते हैं ना, और एकदम से पुख्ता कर लिया जाए एक दूसरे, मतलब जब जो इस टाइप के मोमेंट्स होते हैं, हमेशा क्या होता है, हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अरे टफ मोमेंट था, गुजर गया, लेकिन कभी कभी उस टफ मोमेंट को जब हम दोबारा याद करते हैं तो जो साथ खड़ा रहा, जो साथ चला, जो साथ मिला, उसके साथ वो रिलेशन बहुत पुख्ता हो जाता है, दोबारा से एकदम जी जाता है। एक्चुअली जो सा रिलेशन स्टार्ट ही होया सेगा फ्रेंड्स तो बाद, जो ये शुरू होया कि आप इकट्ठे रहेंगे, जीवन इकट्ठे बिताना है, उदो ही मैं कहना शुरू करता सेगा कि मेरे पेरेंट्स बहुत ओल्ड ने और सानू ये मुश्किलात आनियां ने। ईवन के मैं इन्हों ये भी समझाया सी कि देर इज़ अ बिग जनरेशन गैप इन बिटवीन, बिल्कुल असल विच वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की एज दे सी, ठीक है ना। नाउ शी इज 90 इयर्स ओल्ड, माय मदर इन लॉ इज, माय फादर एक्सपायर्ड इन जून, ही वाज 92। ते मैं इन्हों पहले ही समझाता सी, मैं कहा भी देखो ये असी फेस करना है और हंस के करेंगे, बिल्कुल गुड, जे नहीं हंस के करेंगे फिर फेस तो करना ही है, अगर हंस के कर लेंगे तो जल्दी थोड़ा सा चीजें पहले ही समझा होया सी मैं, बिल्कुल मेनू क्लियर सी के व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, ते वो चीजें मैं बड़ी है, मैं कह जनरेशन गैप भी रहना है ओदे च, उन्होंने तुहानू ये कहना है कि ऐदा नहीं करना, है ना, आ नहीं करना, हुण तुसी छोटे जे चीज है, मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस ते हो जांदा, बट ही नेवर स्टॉप्ड मी माय फादर इन लॉ, उन्होंने मैनू कदी नहीं रोकया की पा रही है, कदी नहीं कहा सिर ढक लै, चुन्नी लै लै, मैं ऐदा ही घूमती हाँ, मैनू कदी नहीं कहा, नेवर एवर, मतलब वो कहंदे सी कि ये बेटी है, और एंड मोमेंट ते जदों उन्होंने अपने प्राण त्यागने सीगे, बहुत प्यार किया है उन्होंने, ही वॉज नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ बैड, बट यदा हाथ फड़ के उन्होंने इनू कहना कि लग गया, सिर पलोसना, बहुत मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने मन से ये लिए। और मैंने एक्चुअली पता है क्या, ये वाला मोमेंट मैं चाहती तो मतलब हम सिर्फ हंसी की बात भी कर सकते थे, बिकॉज आप एक एक्सपीरियंस्ड कपल हैं, है ना, और ये इनकी मैरिज अभी हुई है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, और मैरिज भी बिना उसके हुई है कि पहले जान लिया या पहचान लिया, उस टाइप से नहीं, लेकिन आपकी इन बातों से दे विल गेट इनफ एक्सपीरियंस। बिल्कुल मैम, काफी कुछ असी सोच रहे हैं भी आगे फ्यूचर से, हर एक फ्यूचर में देखो जो जो बात आपने कही कि जैसे आदत चेंज नहीं करने, मैम एक ना बढ़िया एग्जांपल ने, ये सब हम आपस में अपने पेरेंट्स वगैरह से नहीं सीखते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स से तो हमें अरे इनको तो आदत पड़ गई है ऐसे लग रहा होता है, एक्चुअल में ऐसा लग रहा होता है, लेकिन जब हम लाइफ में किसी से ऐसे मिलते हैं तो हम वहां से सिखाना तो पढ़ाई नहीं है, एक्चुअल में तो मैरिज से पहले पढ़ाई होनी चाहिए, सीरियसली होनी चाहिए, सीरियसली होनी चाहिए कि आपने रिलेशंस को निभाना कैसे, बिल्कुल ठीक है, कम से कम 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए कि हाँ जीना कैसे है, निभाना कैसे है, ताकि आगे लाइफ सबकी स्मूथ चले। और जो बेशक आप कम बोले, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने कैसे साथ दिया एक दूसरे का, वो आपके लिए आगे जिंदगी में जब भी आप कोई स्टेप उठाएंगे वो वहां का। एक मेरा है कि लव मैरिज बेसिकली ना, मेरे ख्याल से यंगस्टर जो भी दे फॉल इन लव, वो सोचते बॉलीवुड टाइप है, टाइप है मूवी है, पेड़ आले वाले गाने गावे, नहीं आजकल बॉलीवुड भी समझ लेना, सेल्फीयां लवांगे, बोटिंग करांगे, राइडिंग करांगे, या सी पैराग्लाइडिंग करांगे, मजे नाल खावांगे, लाइफ इज नॉट लाइक दैट, अच्छा लगा कि मैं फादर दी कीती है सेवा, चलो कहना नहीं चाहिए, बट ये है कि
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਕਭੀ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਕਿ ਹਾਂ ਲੇਟ ਉੱਠਤੇ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੂ ਗੋ ਅਰਲੀ तो आपको लगता है कि नहीं ये सुबह जल्दी उठ के तुमको चाय बना के दे या उठ जाए जल्दी है और बात कर ले मुझसे ऐसा नहीं मैम जो मैं जा रही हूँ तो एटलीस्ट 10 मिनट तो देना है वो जा रहे हैं ना ऑफिस तो उनको लगता है कि नहीं मैं आपके साथ 10 मिनट बैठ के 15 मिनट बैठ के आराम से सो डेट शी कैन वर्क ओवर देयर अच्छे से और उसको दिमाग में ये ना रह जाए कि मैं बात भी नहीं करके आई मैं बात भी नहीं करके आई है ना रात में बढ़िया मतलब जब तो मैं जॉब तो करे जाना तो इन नाल टाइम स्पेंड कर देना फिर उसको नींद आ रही होती है ना वो ही उल्ट सिस्टम है उनकी करिए एदे च कसूर जॉब दा ज्यादा लग रहा है मेनू सेट नहीं बैठ रहे इन्होंने एक्चुअल में तो ये तो सभी का ही होता है हम तो फिर यहाँ इंडिया में बैठे हैं अब्रॉड में देखें तो ऐसे ही जिंदगी चल सबका यही हाल है सबका यही मेरे ख्याल से फिर टाइम टेबल सेट कर लो एने तो एने मिनट ना आ कम जरूरी है गल्ला करनी है बस करना ही सैटरडे संडे दा बस ओदे विच ना जदों गल्ला करनी है एदा नहीं एक बारी भी कह देना भी तेरा फलाना रिश्तेदार चंगा नहींगा तारीफ करदा जिन्नी हुंदी है मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा आज हमारा फोन थोड़ा गुस्से हो गया शायद हम लेट से और तारे सेट नहीं हुई हमारी इसीलिए आपका फोन भी नहीं ले पा रही अभी भी ऐसे ही कुछ गड़बड़ है घूम रहा है हाँ हमें भी घुमा रहा है शायद लेकिन फिर से एक बार कभी दोबारा इनवाइट रहें यहाँ जिंदगी फुल ऑन पर फिर से बैठें फिर से बात करें कुछ अपने तजुर्बों की जब तुम्हें भी थोड़ा वक्त हो जाए 18 इयर्स एथे बैठी हैं मेरे कितने हो जाने 36 हो जाने वो तो भी बुलाना है तो मैं आप सबको भी कह रही हूँ कि तब तक जिंदगी फुल ऑन चलता रहेगा एंड Thanks for coming. Thank you so much. और रही बात जिंदगी फुल ऑन की फ्राइडे का दिन मेरे और आपके देखिए यहाँ पर मिलने वाले दिलों को हम मिलाते हैं बुलाते हैं और मेरे और आपके बिछड़ने का दिन होता है यही तो मज़ा है जिंदगी का देखिए जहाँ दिल मिल रहे होते हैं वहाँ बिछड़ने की भी जो एक कहते हैं ना कि अरे बस इतनी ही बात है ना और फिर अगली बार मिलने की जो चाहत होती है ये चाहत रिश्तों को पुख्ता करती है यही चाहत है जो रिश्तों को आगे चलना सिखाती है यही चाहत है जो एक दूसरे के साथ बस ऐसे लगता है कि ये लाइफ है ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है और फ्राइडे के दिन ऐसे ही रिश्तों से और आपसे मुलाकात होती रहेगी आपको मालूम है मन मेरा करता नहीं यहाँ से जाने का ये भी आपको मालूम है लेकिन जाएंगे तो आएंगे कभी जाएंगे कभी आएंगे आते जाते हर मोमेंट पर जिंदगी फुल ऑन जी जाएंगे टेक केयर